हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने के लिए आप सभी अपने नोट्स का पेज नंबर 3 और 4 ले लीजिए। पेज नंबर 3-4 पर आपको इंग्लिश का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8 विजडम ऑलवेज विन्स मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास इंग्लिश रीडर बुक अवेलेबल है, आप सभी की इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर 8 आपको वहाँ पर भी ये पोएम रीड करने के लिए मिल जाएगी। तभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चैप्टर 8 विजडम ऑलवेज विंस, यानी कि बुद्धिमानी जो होती है, समझदारी होती है, उसकी हमेशा जीत होती है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ कैब सेलर आफ्टर सेलिंग सम कैब्स सैट अंडर अ ट्री टू हैव अ नैप। Down came some naughty monkeys, wore all his caps and looked so funky. When cap seller walked and looked around, his bag of caps was now everywhere found. As he looked above on trees, he could trace who are the thieves. Then he set his mind on work and threw his cap with a jerk. So did all the monkeys do. Seeing him, they threw theirs too. Cap seller collected all his caps. For his wisdom, he deserves clap. तो एज इट इज़ यहाँ पर आपको ये पोएम रीड करना है। तो यहाँ पर आपको एक कैप सेलर, यानी कि एक टोपी बेचने वाली और कुछ मंकीज़ की स्टोरी आपको बताई हुई है। अ कैप सेलर आफ्टर सेलिंग सम कैप, एक टोपी बेचने वाला अपनी कुछ टोपियाँ बेचकर एक बड़े से पेड़ कर नीचे बैठ गया और वहाँ पर टू हैव अ नैप, वहाँ पर यानी कि एक शॉर्ट स्लीप आपकी होती है, यानी कि नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, जिसे झपकी लेना भी कहते हैं। तो यहाँ पर नैप, टू हैव अ नैप, वो नैप लेने के लिए वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। डाउन केम सम नोटी मंकीज, वॉर ऑल हिज कैप्स एंड लुक्ड सो फंकी। तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे मंकीज, यानी कि बंदर रहते थे। तो डाउन केम सम नोटी मंकीज, जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, उस पेड़ के ऊपर से कुछ नोटी मंकी, यानी कि कुछ बदमाश मंकी जो थे, वो नीचे उतर कर आए। वॉर ऑल हिज कैप्स एंड लुक सो फंकी, और उन्होंने नीचे आकर वो सारी जो कैप्स थी उन्हें पहन लिया। एंड लुक जो सो फंकी, और वो सभी कैसे दिख रहे थे, फंकी दिख रहे थे, मीन्स ट्रेंडी दिखाई दे रहे थे। व्हेन कैप सेलर वॉक एंड लुक्ड अराउंड, जब कैप सेलर की नींद खुली, यानी कि वो टोपी बेचने वाले की नींद खुली, एंड लुक्ड अराउंड, और उसने अपने आस पास देखा। हिज बैग ऑफ कैप्स वॉज नाउ एवर फाउंड, और उसका जो टोपियों का, यानी कैप्स का जो बैग था, वो उसे नहीं मिला। एज ही लुक्ड अबव ऑन ट्रीज, और फिर जब उसने ऊपर उस पेड़ की तरफ देखा, ही कुड ट्रेस हु आर द थीव्स, और उसे पता चल गया कि उसकी टोपी, यानी कि जब उसका बैग नहीं मिल रहा था, यानी कि उसका जो बैग है वो चोरी हो चुका है। और जब उसने पेड़ के ऊपर की तरफ देखा, तो उसे पता चला कि वो सारे चोर कौन हैं। वेन ही सेट हिज माइंड ऑन वर्क and threw his cap with a jerk. So did all the monkeys do. Seeing him, they threw theirs too. फिर उसने अपने माइंड में एक प्लान बनाया and threw his cap with a jerk, और उसने समझदारी के साथ, यानी कि अपनी कैप्स को वापस लेने के लिए, वो सारी कैप्स को, मतलब उसके सर पर, यानी कि वो जो टोपी बेचने वाला था, उसके सर पर भी एक कैप लगी हुई थी। तो उसे तो मंकी से अपनी कैप वापस लेनी थी, लेकिन वो किस प्रकार लेता, तो उसने क्या करा, उसने अपना माइंड, मतलब एक प्लान बनाया, और उसने अपनी टोपी को अपने सर पे से निकाल कर फेंक दिया। तो एज इट इज़ मंकी, आपको पता है कि मंकी नकल करते हैं, तो उसने वो सारे मंकीज ने उस टोपी वाले, यानी उस कैप सेलर की कॉपी करते हुए अपनी अपनी कैप्स निकाल कर फेंक दी। और जैसे ही मंकीज ने वो कैप सेलर की कॉपी कर अपनी कैप्स फेंकी, वैसे ही वो कैप सेलर ने जल्दी तो वो कैप सेलर ने जल्दी से अपनी सारी जो कैप्स थी उन्हें कलेक्ट किया, और फिर वो वहाँ से अपनी कैप्स लेकर चला गया। तो फॉर हिज विजडम ही डिजर्व क्लैप,
और उसकी बुद्धिमानी के लिए उसके लिए क्लैप्स यानी कि तालियां बनती हैं। तो यहाँ पर उसकी सारी कैप्स तो मंकीज ले ही चुके थे और वो चाहकर भी वो मंकी से अपनी कैप्स नहीं ले पाता, लेकिन उसने क्या करा, उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अपनी समझदारी से काम लेने के कारण उसको अपनी कैप्स वापस मिल गई। तो इस पोएम की 8 लाइन्स लर्न एंड राइट, आपको इस पोएम की 8 लाइन्स अपनी रफ कॉपी में रीराइट करते हुए लर्न करनी है, ताकि नेक्स्ट जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो स्कूल में कंडक्ट होने वाले हैं उसमें आप इजीली इन्हें राइट कर कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। वर्ड मीनिंग्स यानी कि कुछ हार्ड वर्ड्स थे जिनको आपको राइट कर यहाँ कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका नैप, नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप यानी कि झपकी लेना। सेकेंड फंकी मीन्स ट्रेंडी। नेक्स्ट है आपका ट्रेस, टू फाइंड समथिंग बाय इन्वेस्टिगेशन यानी कि किसी चीज़ को ढूंढना। कलेक्ट टुगेदर यानी कि कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना। विजडम अ क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, विजडम मीन्स समझदारी की जो क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, यहाँ पर WISE वाइज यानी कि समझदारी की एक क्वालिटी को विजडम कहा गया है। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नीचे की तरफ दिए हुए हैं, जिसके आंसर करेक्टली आपको राइट किए हुए दिए हुए हैं। तो आपको इन आंसर्स को नीचे जो स्पेस गिवन स्पेस में आपको इसे रीराइट करते हुए लर्न करना है, साथ ही अपनी रफ कॉपी में भी आप इन आंसर्स को जब रीराइट करेंगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। फर्स्ट है, व्हाट डिड द मंकी डू व्हेन द कैप सेलर वाज अस्लीप। मंकीज ने क्या किया जब वो कैप सेलर की नींद लग गई थी, यानी कि जब वो कैप सेलर सो गया था, तो मंकीज ने क्या किया, तो आपको आंसर में राइट करना है, द मंकीज वर ऑल हिज कैप When the cap seller was asleep, जब उन वहाँ पर जितने भी monkeys अवेलेबल थे उन monkeys ने क्या करा, wore all his caps, उस cap seller की जितनी भी caps थी वो सारी caps उन monkeys ने पहन ली। When the cap seller was asleep, जब वो cap seller सो रहा था। Second, how did the cap seller come to know about the thieves? How did the cap seller come to know about the थीव्स, कैप सेलर को वो उसकी जो कैप थी उन्हें उनके चोरों का पता किस प्रकार लगा, तो यहाँ पर आपको आंसर में राइट करना है, द कैप सेलर केम टू नो अबाउट द थीव्स एज ही लुक्ड अबाउट ऑन द ट्रीज। उस कैप सेलर को चोरों के बारे में इस प्रकार पता चला, जैसे ही उसने ऊपर अपने पेड़ ऊपर की तरफ उस पेड़ पर देखा तो उसे चोरों के बारे में पता चल गया, क्योंकि ऊपर जो पेड़ पर सारे मंकीज थे वो उसकी कैप्स को पहनकर मस्ती कर रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही गेट ऑल हिज कैप्स बैक, किस तरीके से कैप सेलर ने अपनी सारी कैप्स को वापस पा लिया। तो आंसर में आपको राइट करना है, द कैप सेलर केम टू नो अबाउट द थीव्स एज ही लुक्ड अबव ऑन ऑन द ट्री। आपको यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन का एज इट इज दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। जो थर्ड आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है वो सेकेंड, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो आपका ये जो थर्ड वाला आंसर है ये आपकी ऑफलाइन क्लास में टीचर द्वारा आपको लिखवा दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने के लिए मिलता है, तो आपको यहाँ पर आंसर में राइट करना है, वी लर्न दैट पेशेंट एंड इंटेलिजेंट एफर्ट्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। अगर इंसान धैर्य के परेशानी के समय में भी धैर्य के साथ में काम ले, समझदारी के साथ में अगर कोशिश करे तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इस लेसन से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी मुसीबत में हैं तो फर्स्टली हमें हमारा धैर्य नहीं खोना चाहिए और बुद्धिमानी समझदारी के साथ में काम करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यही सोचकर उसे अपने काम के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, द वर्ड विजडम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड वाइज, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम विच दिस वर्ड्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि आपका जो विजडम वर्ड है वो
वाइज वर्ड का एक फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड है वो किस वर्ड का फॉर्म है। जैसे कि विजडम का वर्ड किस वर्ड का फॉर्म है, वाइज का। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उनका फॉर्म बताना है कि वो किस वर्ड के फॉर्म से हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है आपका किंगडम, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हमने राइट किया हुआ दिया हुआ है, आपको केवल यहाँ पर इसे रीराइट करते हुए लर्न करना है। तो किंगडम का आपका वर्ड हुआ किंग, फ्रीडम का फ्री, बॉर्डन का बर एंड ब्रेवरी का ब्रेव। तो आपको यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें रीराइट करना है, साथ ही में इसकी प्रैक्टिस भी रखनी है। अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है तो आप इसे इजीली बता पाएँ या राइट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इन्हें अगर ये पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका, एज ही लुक्ड अबव ऑन ट्रीज ही कुड ट्रेस हु वर द थीव्स। यहाँ पर आपको ये जो दो लाइन दी हुई है, इन दो लाइन से किसे के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाइन से आपकी, एज ही लुक्ड अबव ऑन ट्रीज, जैसे ही उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा, ही कुड ट्रेस हु आर द थीव्स, और उसे पता चल गया कि उसकी कैप्स के चोर कौन थे। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु इज ही इन द लाइन, यानी कि जो ही वर्ड यहाँ पर हमने यूज़ किया है वो इन लाइन्स में कौन है, यानी कि किसके लिए यूज़ किया गया है आपको बताना है। तो आपका ही, तो एज ही लुक्ड अबव ऑन ट्रीज, किसने ऊपर की तरफ देखा था और किसे चोरों के बारे में पता चला था। तो यहाँ पर ये स्टोरी थी हमारी कैप्सुलर की, और ये लाइन कैप्सुलर यानी कि ही वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, कैप्सुलर के लिए। तो आपको यह आंसर में राइट करना है, ही रिफर्स टू द कैप्सुलर इन दिस लाइन, ही जो वर्ड है वो कैप्सुलर के लिए इन लाइन्स में कैप्सुलर के लिए यूज किया गया है। सेकेंड है, हु आर द थीव्स, यानी कि चोर कौन थे। तो आपको आंसर में राइट करना है, मंकीज आर द थीव्स, यानी कि जो बंदर थे वही चोर थे। उस चैप्टर में आपने देखा है वो कैप्सुलर की जब नींद लग जाती है तो सारे मंकीज उसकी कैप लेकर चले जाते हैं, तो मंकीज आर द थीव्स। थर्ड, व्हाट डिड दे स्टील, मींस उन्होंने क्या चुराया था। तो द दे स्टॉल ऑल द कैप्स, यानी कि उन्होंने सारी कैप्स को की चोरी की थी, उन्होंने सारी कैप्स चुरा ली थी। आपको एज इट इज यहाँ पर बिटवीन योर स्पेस गिवन, यहाँ पर यह आपको जो स्पेस दिया हुआ है इस स्पेस में आपको आंसर रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फील द कलर इन दिस पिक्चर। आपको यहाँ पर एक नॉटी मंकी की पिक्चर दी हुई है, तो आपको इस मंकी को जो इस पेड़ की ब्रांच पर है, आपको इसमें कलर फील कर इसमें कंप्लीट करना है। आप वैक्स कलर पेंसिल कलर की हेल्प से इसमें कलर फील कर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका चैप्टर 8 विजडम ऑलवेज विंस यहीं कंप्लीट होता है।